खाने के दौरान बातें करना कैसा है खाना खाते वक्त बातें करना कैसा है आसिफ साहब कश्मीर से देखिए खाना खाते वक्त बहुत पेचीदा बात बातें बहुत इलमी बातें जिनमें इंसान का दिमाग लग रहा हो बहुत ज़्यादा तो ऐसी बातें करना मकरू नापसंदीदा है क्योंकि इससे खाने की लज्जत में भी कमी आती है और खाना हज़म भी नहीं होता क्योंकि आपका दिमाग दूसरी तरफ गया हुआ होता है लेकिन हल्की फुल्की बातें हल्की फुल्की गपशप और भाई क्या हाल है बताओ कोफ्ते कैसे लग रहे हैं मज़ा आ रहा है मिर्चें और थोड़ी अगली दफ़ा ज़्यादा करें कम करें और सुनाओ ममानी का क्या हाल चल रहा है आजकल और भाभी की तबीयत कैसी है और कारोबार का क्या चल रहा है तुम्हारा जो हल्की फुल्की गपशप हो रही होती है इससे खाने की लज्जत कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है तभी दे, आप देखें अकेले खाने में कभी भी मज़ा नहीं आता खाना हमेशा घर वालों के साथ बैठ के या दोस्तों के साथ बैठ के खाने में मज़ा आता है तो उसकी वजह यही है कि आपस में गैदरिंग होती है अगर चुपी बैठ के खाना था तो फिर अकेले बैठ के खा लेते किसी के साथ बैठ के क्यों खा रहे हो तो ये जो मशहूर हो गया ना कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल गलत मशहूर हो गया है खाना खाते हुए बिल्कुल बातें कर सकते हैं बल्कि खाना खाते हुए ही बातों में बड़ा मज़ा आता है लेकिन बातें बहुत गाढ़ी बहुत पेचीदा कोई फड्डे वाली नहीं होनी चाहिए हल्की फुल्की खैर खैरियत हल्का फुल्का हंसी मजाक इस तरह की बातें अगर की जाएँ खाना खाते हुए तो ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि इससे खाने की लज्जत भी बढ़ती है आपस के तल्लुत भी अच्छे होते हैं तो इसको बाज़ लोग बहुत शिद्दत से गलत कहते हैं तो ये, ये ऐसा नहीं है बल्कि कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है